जॉन विक का रिव्यू लेके आप सबके सामने हाजिर, सॉरी 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 सॉरी, ब्लडी डैडी का रिव्यू लेके आप सबके सामने आज मैं हाजिर हूँ। शाहिद कपूर की मूवी आने वाली है ब्लडी डैडी। कल शाहिद कपूर यूट्यूब पे हम सबके सामने हाजिर हुए, गाड़ियां उड़ रही थी, गोलियां चल रही थी, चाकू छुरी भी हाथ में पकड़ रखी थी, ट्रेलर बहुत जबरदस्त था, जॉ लाइन चीजल शाहिद कपूर की, कोट पैंट उन्होंने डाल रखा है, वो सब पहन के वो गोलियां शोलियां बरसा रहे हैं, पूरे ट्रेलर में खून खराबा ये सभी देखने को मिला था। क्या जा रहा है कि ये किसी ना किसी फ्रेंच मूवी का रीमेक है, पर यार आजकल ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, इससे हम बच नहीं सकते, जो भी चीज हमें देखनी होती है इंटरनेट पर इजिली हमें अवेलेबल हो जाती है, तो इतनी सारी मूवीज हमने देख ली हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मूवी तो मैच हो ही जाएगी, कोई ना कोई सीन तो मैच हो ही जाएगा। तो रीमेक्स की हम चिंता ना करते हुए सिर्फ हम ट्रेलर की बात करते हैं। ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त एक्टर्स का लाइनअप था और डायरेक्टर इसके अली अब्बास जफर, जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जबरदस्त माने जाते हैं, यानी कि ये मूवी सक्सेस तो होनी है, टाइगर जिंदा है जैसी मूवी भी तो उन्होंने ही बनाई थी। पर एक सवाल मेरा यहां बनता है, देसी जॉन विक क्यों, हम मिर्जापुर 3 जैसी मूवीज क्यों नहीं बना सकते? और अभी कुछ वीडियोस भी लीक हुई थी मिर्जापुर 3 के सेट से, गुड्डू भैया हाथ में हथौड़ा पकड़ के खड़े हुए हैं एकदम चौंक पे, अरे भौकाल मचा रखा है। शायद वो जितना मर्जी यार कोट पैंट पहन के गन वन पकड़ के दिखा रहे ट्रेलर, पर मिर्जापुर 3 के सामने भाई साहब सब कुछ सब फिसड्डी है, मैं सही बताऊं, जितना मर्जी कोट पैंट पहन के एक्शन कर लो, जॉन विक ये सब मूवीज देख लो, पर यार देसी बंदे हम फॉर्च्यूनर में कुर्ता पजामा पहन के घूमना पसंद करते हैं, वो भी रेबन का चश्मा लगा के। मैं तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं मिर्जापुर 3 का। पर हां शाहिद कपूर की एक्टिंग का भी फैन हूं, क्या करूं यार, कबीर सिंह मैंने भी देखी हुई है, इस वजह से मैं तो जरूर जाऊंगा ब्लडी डैडी को देखने के लिए। पर आप अभी फिलहाल कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि आप किस मूवी का इंतजार कर रहे हैं, ब्लडी डैडी का, गुड्डू भैया के भोपाल का, यानी कि मिर्जापुर 3 का, कालीन भैया, गुड्डू भैया, मुन्ना भैया, ओ भाई साहब एक एक नाम आज तक याद है मुझे, इतनी जबरदस्त मूवी थी। प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज बताइए, अपना बताइए कि कौन सी मूवी का आप कर रहे हैं इंतजार।